जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। हम बनाएंगे यहाँ पर आधा कप पानी और एक सीक्रेट चीज़ से मावा। तो कढ़ाई गरम रख दी है मैंने और यहाँ पर डालूंगी मैंने 1.5 चम्मच घी। तो त्योहारों के सीज़न में मावे की बहुत ही दिक्कत रहती है, मावा नहीं मिलता है या दूध भी नहीं मिलता है, तो इस तरीके से हम बहुत ही जल्दी घर पे मावा बना सकते हैं। आधा कप में पानी डाल देती हूँ, पानी को थोड़ा गर्म करेंगे। तो इस सीक्रेट तरीके से आप बना सकते हो घर पे झटपट से मावा, वो भी दानेदार मावा, बिल्कुल मार्केट जैसा मावा आप बना के घर पर तैयार कर सकते हो टेंशन फ्री हो करके। और इसे बनाने में समय भी नहीं लगता है, सिर्फ हम 2 से 3 मिनट में मावा बना करके तैयार कर सकते हैं। बाहर त्योहारों में नहीं मिलता है मावा हमें मार्केट में, कहीं गुंजिया बनाना हो हमें और या फिर मिठाई बनाना हो, तो हम बहुत ही आसानी से मावा घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, लेकिन 200 ग्राम है ये मिल्क पाउडर। अच्छे से हम मेल्ट करेंगे इसे। तो ये मावा बिल्कुल मार्केट जैसा मावा रखता है और इतना बढ़िया मावा बन करके तैयार होगा कि आपको यकीन भी नहीं होगा, एकदम दानेदार मावा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत ही जल्दी मावा बन करके तैयार हो जाता है यहाँ पे, ना तो हमें दूध की ज़रूरत पड़ती है ना ही हमें किसी और चीज़ की, हम बहुत ही झटपट से मावा बना करके तैयार कर सकते हैं। देखिए हमारा मावा बिल्कुल तैयार है, देख सकते हो, थोड़ा सा और मेल्ट करते हैं, वो दानेदार मावा बिल्कुल हमारा बन करके तैयार ही। देखिए मावा बिल्कुल तैयार है हमारा, फेस बंद कर देते हैं। आप देख सकते हो कितने दानेदार मावा बिल्कुल बन करके तैयार हुआ है, वो भी सिर्फ 2 मिनट में झटपट से। तो इस तरीके से आप बना सकते हो घर पर मावा। तो वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।